15 दिन में 12 गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या। आतंकवादियों के नॉन स्टॉप एनकाउंटर। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल बैठकें करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अब खुद कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी घाटी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सैकड़ों दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। आतंकी अलर्ट को देखते हुए श्रीनगर और पुलवामा के लगभग 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। डल झील के आसपास के इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक आम नागरिकों की एंट्री बंद रहेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इसे आतंकी घटनाएं रोकने के लिए रूटीन बता रही है। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी और पुलिस का यही प्रयास है कि गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, बल्कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये सुरक्षा उपाय हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई सिविलियन किलिंग्स के बाद किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गृह मंत्री का दौरा भी इस सुरक्षा व्यवस्था और अलर्ट को लेकर देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थीं, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे श्रीनगर को छावनी में बदल दिया गया है। अकेले श्रीनगर में डल झील से लेकर महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसके लिए अर्धसैनिक बलों की 20 से 25 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। जगह जगह शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। डल झील में CRPF की टुकड़ियां तैनात हैं, और ये सब हो रहा है अमित शाह के दौरे के मद्देनजर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है SKICC जहां पे गृह मंत्री अमित शाह का फंक्शन होगा। बंकर भी देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं ये है पेट्रोलिंग बोट CRPF की, लगातार यहां पे गश्त लगाती हुई पानी पर। आप अंदर जितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप बाहर देखेंगे, क्योंकि ये डल का इलाका है। 15 किलोमीटर की तो रोड है, लेकिन 20 किलोमीटर का जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये एरिया पड़ता है, तो अपने आप में VIP विजिट के लिए इसको सिक्योर किया गया है। एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर CRPF की वहां पे डिप्लॉयमेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस उनकी जो शिकाराज हैं और उस पे जो डिप्लॉयमेंट है, शार्प शूटर्स हैं वो वहां पर हैं। आप देख सकते हैं अंदर जिस तरह से लगातार काम चल रहा है, लास्ट मिनट जिसे कहते हैं वर्क चल रहा है। सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है? बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में काफी आतंकी घटनाएं हुई। हाँ जी, एक बड़ी चुनौती है CRPF के लिए, बट इसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पूरा सक्षम है। जैसे कि पुलिस के साथ पूरी पेट्रोलिंग, ये शोर लाइन एरिया है, उसको हम शोर लाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंटीरियर लेक्स को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाई पेट्रोलिंग। हमारे पास 7 बोट्स तो हमारे अपना पेट्रोलिंग मोबाइल मोटर बाइक्स है, और इसके अलावा शिकारा बोट्स भी हमारे पास। पूरे सिटी को हम लोगों ने ड्रोन ग्रिड में बांटा हुआ है, और वो सारे हॉट स्पॉट्स और खासकर ऐसे जहां पे एंटिसिपेटेड है उन लोकेशन पे हमारी नजर CCTV कैमरा, हमारे PTZ कैमरा और ड्रोन के थ्रू है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बार हमने पहली बार ये स्टेप लिया है, पूरे सिटी में हमने स्नाइपर्स बहुत ही क्लोज, और ये लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तमाम लोकेशंस पे स्नाइपर को हमने तैनात किया है। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर भागते हुए को हम लोग चेस करके दूर से उसको मार सकते हैं। इस तरह के कई और मेजर्स लिए गए हैं। श्रीनगर में ये बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के दौरे को लेकर तो है ही, लेकिन कई ऐसे इंतजाम हैं जो स्थायी हैं, यानी अमित शाह के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। जैसे कि ये ड्रोन ग्रिड है जो तीसरी आंख बनकर आसमान से श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। श्रीनगर में पहली बार ड्रोन कैमरों के जरिए सिक्योरिटी कवर को मजबूती देने की शुरुआत हुई है। भारतीय सुरक्षा बलों के पास अब एक और एडिशनल हथियार है, एक तीसरी आंख है, और वो ड्रोन्स के जरिए आता है। पिछले कुछ समय से इनका चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, लेकिन एक फोर्स बूस्टर के नाम पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के ये जो ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉयमेंट में लगाए गए हैं, सेंसिटिव जोन में, उन इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बेसिकली माइनॉरिटीज को एक सपोर्ट देने के लिए ये करने से माइनॉरिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है सरकार पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे,
इसलिए यह किया जाता है। और ये ड्रोन ग्रिड हमने पूरे श्रीनगर को बना रखा हूँ एज पर द डायरेक्ट डीजी जेएनके और श्रीनगर की अपना सीआरपीएफ के डायरेक्शंस पे इन कंजक्शन विद द पुलिस और सीआरपीएफ मिलके 15 ऐसे इलाका है जिसको हम कवर करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के लिए श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन एक अलर्ट और भी है। ये अलर्ट है अमित शाह के कश्मीर दौरे पर खराब मौसम के अटैक का। महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस अंदाज से मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में खासतौर से शनिवार और रविवार को मौसम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, उस बीच मौसम के असर से कहीं ना कहीं गृह मंत्री के दौरे पर भी कई असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार शनिवार और रविवार को पूरे कश्मीर में जबरदस्त बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक।